दूर दराज से आए हुए सभी आगंतुक भाइयों एवं बहनों, मैं सभी का इस सभा में आज जगदेव प्रसाद के स्वर्ण जयंती समारोह में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। इस स्वर्ण जयंती का उत्सव हम लोग इसलिए आयोजन किए हैं कि इस देश में जिस तरह का रंग भेद, स्वर्ण भेद एवं जाति भेद चल रहा है, उसमें हम लोग आटे की चक्की की तरह पीसे जा रहे हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यह समाज हम लोग को किस नजर से देख रहा है, हम लोग इस समाज में अपना क्या अस्तित्व रखते हैं, हम लोग को इस समाज में किस तरह से जीना है, हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा भी समझदारी नहीं दिखाते हैं। आज बाबू जगदेव प्रसाद जी का स्वर्णिम जयंती के अवसर पर हम आप सभी को इसीलिए निमंत्रण दिए हैं कि आप सभी यहाँ आए और अपने कर्तव्य का पूरी तरह से निर्वहन करने की जो क्षमता है उसे उजागर करें, क्योंकि किसी एक के कहने से कुछ भी हासिल नहीं होता है, क्योंकि कोई एक अगर सफलता हासिल कर लेता है तो वो सिर्फ अकेला आगे निकलता है, जिसे बाद में नुकसान होता है। जब हम लोग सभी एक साथ मिलकर और पूरी शिद्दत से मेहनत करके अपनी जो कर्तव्य है उसे अगर निर्वहन करेंगे तो जरूर मंजिल की ओर अग्रसर हो जाएंगे। आज जो स्थिति हमारे समाज की है, उस समाज में कई लोग सिर्फ अपने स्वार्थ में जिंदगी जी रहे हैं, अपनी स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। जगदेव बाबू के इस स्वर्णिम जयंती के अवसर पर बहुत नेतागण, बहुत राजनीतिक पार्टियां अपनी वोट को बैलेंस करने के लिए जयंती मनाती है, लेकिन अभी हम किसी पार्टी से भी नहीं हैं, किसी पार्टी में ज्वाइन भी करने की इच्छा अभी नहीं रखते हैं। हम इस समाज को अपने इस मंच के माध्यम से अशोक सम्राट बुद्ध विहार के बैनर तले आप लोग से आह्वान करता हूं कि आप लोग हमारे जगदेव बाबू के स्वर्णिम जयंती के अवसर पर अपने कर्तव्य को समझें। यहां बहुत सारे वक्ता लोग आए हैं, आप लोग के सामने अपनी बातें को रखेंगे, आप लोग उस विचारधारा से अपने आप को जोड़िए कि कम से कम अपने कर्तव्य को समझते हुए अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निभाएं और मंजिल की ओर आगे चलें। आज इस मंजिल पर, इस मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ फूफा जी श्री बैजनाथ प्रसाद मेहता जी हैं, वही इस मंच का संचालन करेंगे। मैं आग्रह करता हूं कि वे यहां और इस मंच का संचालन करें। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।